वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमले की तारीफ और वजाहत देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पिछले सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मुफर्रद जुमला। जिस जुमले में मुब्तदा और खबर सिर्फ ये दो अज्जा पाए जाते हैं, मुफर्रद जुमला कहलाता है। यानी कि पहले मुब्तदा और दूसरा खबर। जुमले का पहला फिक्रा मुब्तदा और दूसरा खबर कहलाता है। ज़ैल के जुमलों पर गौर कीजिए। मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत में कोई दिलफरेबी नहीं थी। हसरत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे। उन्होंने एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया। तहरीक आज़ादी का दर्ग बर्ग वो बार लाया। वो किसी सताइश के तलबगार ना थे। मिसाल का हर जुमला दो हिस्सों में तकसीम होता है। पहला है हसरत मोहानी, यह क्या है? मुब्तदा है। और अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे, ये क्या है? खबर है। उसी तरह तहरीक आज़ादी का दरख्त, तो ये मुब्तदा है। बर्ग व बार लाया, तो ये क्या है? खबर है। आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ जुमले का पहला फिक्रा मुब्तदा और दूसरा खबर कहलाता है। जिस जुमले में ये दो अज्जा पाए जाते हैं उसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। नेक्स्ट, मुरक्कब जुमला। दो बामानी जुमलों को हुर्फ अतब से जोड़ने पर बनने वाले जुमले को मुरक्कब जुमला कहते हैं। दोनों जुमले मानी के अतबार से आज़ाद होते हैं। साले देखिए, तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया, यहाँ तक कि ये एक जुमला है। तो इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ, यहाँ पर इसे हुर्फ अतब तो से जोड़ा गया है। इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ, ये एक अलग जुमला है। तो दोनों जुमले मानी के अतबार से अलग है, लेकिन जिन्हें हुर्फ अतब से जोड़ा गया है। सेकंड देखिए, सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। तो देखिए, सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, यहाँ तक कि ये एक जुमला हो गया। इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था, ये एक दूसरा जुमला हो गया, जिसे किससे जोड़ा गया है? हुर्फ अतब के से जोड़ा गया है। उसी तरह उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया, यहाँ तक कि ये एक जुमला। देखिए, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और यहाँ पर है उर्फ अतब, दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। इस तरह दो जुमलों को, अलग अलग जुमलों को मिलाकर जिसे हम उर्फ अतब से जोड़ते हैं, मुरक्कब जुमला बनता है। ऊपर की मिसालों के जुमले दो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। इनमें अल्फाज तो के और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं। अपने अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। ऐसे जुमले का हर हिस्सा आज़ाद फिक्रा कहलाता है, यानी अपना अपना अलग मानी रखता है, अगरचे ये अपनी जगह पूरा जुमला है। जब ये आज़ाद फिक्रे हुर्फ अतफ जैसे कि तो, मगर, के और वगैरह से जोड़े जाते हैं, इनसे मुरक्कब जुमला बनता है। आज़ाद फिक्रों को जोड़कर मुरक्कब जुमला बनाने के लिए फिर, वरना, लेकिन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए हुए जुमलों को कौसर में से दिए हुए लफ्ज़ों से जोड़कर मुरक्कब जुमले बनाइए। पहली मिसाल देखिए, दावत का वक्त आया, डैच, मेहमान के लिए देवड़ी में चटाई बिछा दी। तो यहाँ पर कौन सा हुर्फ अतब इस्तेमाल होगा? हुर्फ अतब तो। दावत का वक्त आया तो मेहमान के लिए देवड़ी में चटाई बिछा दी। दूसरा देखिए, तकिया दाहिनी बगल में है, डैच, बाएँ हाथ में लोटा है। तो यहाँ पर कौन सा हुर्फ अदब इस्तेमाल होगा? और। तकिया दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा है। तीसरी मिसाल, वो एक जिंदा दिल इंसान थे, डैट, ये सब अहद शबाब की बातें हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा हुर्फ अदब आएगा? वो एक जिंदा दिल इंसान थे, मगर, ये सब अहद शबाब की बातें हैं। चौथी मिसाल देखिए, जेल तो हज़ारों लोग गए, डैच, इनकी ज़िंदगी से हम ना वाकिफ है। तो यहाँ पर हुर्फ अतब इस्तेमाल होगा लेकिन, लेकिन इनकी ज़िंदगी से हम ना वाकिफ है। वो गौर व फिक्र के आदि ना थे,
डैक इनमें तत्बुर की कमी थी, तो यहाँ पर आएगा मगर, मगर इनमें तत्बुर की कमी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं मखलूत जुमले की तारीफ। जिन जुमले में पहला हिस्सा ताबाए फिक्रा हो और दूसरा हिस्सा ख़ास फिक्रा, उसे मखलूत जुमला कहते हैं। यानी जुमले का पहला हिस्सा हो ताबा फिक्रा और दूसरा ख़ास फिक्रा। जुमले के दोनों हिस्से मानी के अतबार से आज़ाद नहीं होते, बल्कि मानी अदा करने के लिए जुमले का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर मुनसर होता है। यानी सिर्फ एक जुमला अगर आप पढ़ेंगे तो मानी अदा नहीं होगा, आपको पूरा जुमला पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस जुमले का मतलब समझ पाएंगे। तो उसे कहते हैं मखलूत जुमला। यहाँ मुरक्कब जुमले की तरह दो आज़ाद फिक्रे नहीं होते। ज़ैल के जुमलों को पढ़कर इनके अज्जा पर गौर कीजिए। जब वो धुएँ के कसीब बादलों में उतरा तो इसके सीने में चिंगारियाँ उतर गईं। देखिए यहाँ पर जो तिरछी लाइन से तक के जो हिस्सा है, ये क्या है ताबा फिक्रा, तो इसके सीने में चिंगारियाँ उतर गई, और ये क्या है ख़ास फिक्रा। सिर्फ आप इसको इतना पढ़ेंगे तो मानी समझ में नहीं आएगा, पूरा मानी समझने के लिए आपको ताबा फिक्रे को भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। यानी एक जुमला मानी अदा करने के लिए एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर मुनसिर है। दूसरा देखिए, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो इसकी परवाज थम गई। तीसरा देखिए, एक किनारे पर एटमी भट्टियाँ थी जिनकी कुशादा चिमनियाँ धुआँ उगल रही थी। तो यहाँ पर भी पहला हिस्सा क्या है ताबा फिक्रा और दूसरा ख़ास फिक्रा। ये पहला मौका था कि वो अंधेरे में घर कर गया। इन जुमलों में तिरछे खत लगाने से जुमले दो फिक्रों में तकसीम हो गए हैं। पहले दो जुमलों में लफ्ज़ जब वाला फिक्रा ताबा फिक्रा कहलाता है, और बाद के फिक्रे जो तो से शुरू होते हैं उन्हें ख़ास फिक्रा कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको मुफर्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमले की तारीफ और वजाहत समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।